दोस्तों बात करें अगर अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म भारत के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, तब्बू, सुनील ग्रोवर और जेके श्रॉफ। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने पहले हफ्ते में काफ़ी शानदार कमाई की और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं लग रहा था कि फिल्म को जो मिक्स रिव्यूज मिले हैं उसकी बदौलत ये फिल्म दूसरे हफ्ते में शायद कलेक्शन कम करेगी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी पीछे रह जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जिस तरह फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में अच्छी कमाई की, उसी तरह दोस्तों ये फिल्म दूसरे हफ्ते में भी काफ़ी अच्छा कारोबार कर रही है। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 42,30,00,000 रुपये से ओपनिंग ली थी और फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए थे 31,05,00,000 रुपए, तीसरे दिन कमाए थे 22,20,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 8 दिन यानी कि अपने एक हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर ली थी 175,00,000 रुपए। वही दोस्तों बात करें 9th डे के कलेक्शन की, तो दोस्तों 9th डे पे इस फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में 8 से 10% की ऑक्यूपेंसी मिल रही है, वही आफ्टरनून और इवनिंग वाले शोज की बुकिंग भी लगभग यही है। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आई है उसके हिसाब से भारत फिल्म अपने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6,45,00,000 रुपए का कारोबार कर रही है। तो दोस्तों फिल्म ने जहां शुरुआती 8 दिनों में 175,00,000 रुपए नेट कलेक्शन किया था, वही अगर फिल्म 9वें दिन 6,45,00,000 का कलेक्शन करती है, तो इसी के साथ दोस्तों भारत फिल्म का नेट कलेक्शन जो इंडिया में 9 दिन का हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 181,00,000 रुपए। आपको बता दूं दोस्तों फिल्म का बजट है लगभग 165,00,000 रुपए और फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 200,00,000 का नेट कलेक्शन करना होगा और फिल्म अभी तक नेट कलेक्शन कर पाई है 9 दिनों में 181,00,000 रुपए। यानी कि दोस्तों फिल्म को अभी बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 19,00,000 की कमाई और करनी होगी। वही दोस्तों अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल ग्रॉस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन जहां 181,00,000 रुपए हुआ है, वही फिल्म का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 216,00,000 रुपए हो चुका है। बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों भारत फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक कमाई की है 57,00,000 यानी 57,00,000 रुपए की। तो दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 273,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 273,00,000 का कारोबार कर लिया है। अब देखना है दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300,00,000 का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड मार्केट में कब तक क्रॉस कर पाती है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 200,00,000 का नेट कलेक्शन कब तक कर पाती है। वैसे दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, झकास या बकवास, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड और साउथ की ऐसी नई खबरों के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।